नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। नागौर के छोटे से गांव की रहने वाली संध्या गौरा का चयन BCCI के अंडर 19 महिला वनडे टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ है। वह हैदराबाद के लिए खेलेंगी। खास तो बात ये है कि उनका चयन सलामी बल्लेबाज के तौर पर किया गया है। राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गाँव तांडोली की रहने वाली संध्या गौरा का चयन BCCI के अंडर 19 महिला एक दिवसीय टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ है। वह इस टूर्नामेंट में हैदराबाद के लिए खेलेंगी। बीते 3 सितंबर को हैदराबाद स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए ट्रायल में उनका चयन एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर किया गया है। वह नागौर जिले की पहली महिला क्रिकेटर है जो हैदराबाद राज्य की टीम के लिए क्रिकेट खेलेंगी। यह मुकाबला राजकोट में 28 सितंबर को खेला जाएगा। जहां तक संध्या की बात है तो उनके लिए क्रिकेटर बनना आसान नहीं रहा। संध्या नागौर जिले की तामडोली गांव की रहने वाली हैं। उनके घर के पास गोचर जमीन पर अक्सर लड़के क्रिकेट खेलते थे। 4 साल की संध्या अक्सर यह मैच देखने जाया करती थी। इसके बाद आर्थिक तंगी के चलते संध्या के पिता हनुमान गौरा को परिवार समेत हैदराबाद आना पड़ा। संध्या के पिता हैदराबाद में टेम्पो चलाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ आने के बाद संध्या कभी अपने भाई और कभी अपने पापा के साथ टेम्पो में बैठकर घूमने जाती तो रास्ते में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राज्य क्रिकेट की एकेडमी आती थी। एक आध बार संध्या जिद करके अपने पिता के साथ इस स्टेडियम में IPL मैच देखने आई। जब उन्होंने पहली बार इस मैदान पर मैच देखा तो ठान लिया कि उन्हें भी ऐसे ही क्रिकेट मैदान पर खेलना है। संध्या शुरुआत में हैदराबाद में JD मेटला क्षेत्र के मोहल्ले में क्रिकेट खेलना शुरू किया। यहाँ खेलते हुए उनका स्कूल टीम में चयन हो गया। जिन दिनों वह स्कूल में खेलती थी तो उनकी प्रतिभा देखकर कोच ने उन्हें बेहद प्रैक्टिस करने और एकेडमी में जाने की सलाह दी, लेकिन घर में पैसों की कमी के चलते उन्होंने कोच की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। करीब 6 साल पहले हैदराबाद में हुए इंटर स्कूल प्रतियोगिता के फाइनल में 51 गेंदों पर बनाए गए धुआंधार शतक ने संध्या को पूरे शहर में पहचान दिलाई। संध्या के क्रिकेट प्रतिभा की जानकारी धीरे धीरे उनके पिता के पास पहुंची। स्कूल प्रधानाचार्य समेत कोच और कई लोगों ने उन्हें बेटी को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराने की सलाह दी, जिसके बाद संध्या के पिता ने बेटी के सपने को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हैदराबाद के सबसे बेहतरीन डॉन बॉस्को क्रिकेट एकेडमी में संध्या को दाखिला दिलाया। 1.5 साल बाद संध्या का हैदराबाद के अंडर 16 राष्ट्रीय टीम में उनका चयन हो गया। बीते 3 सितंबर को हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुए ट्रायल के दौरान संध्या का हैदराबाद राज्य की अंडर 19 टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर चयन किया गया। वह इस समय राजकोट में हैं और वह अभ्यास कर रही हैं। 28 सितंबर को संध्या राजकोट में हैदराबाद राज्य की अंडर 19 टीम से BCCI के नेशनल वनडे टूर्नामेंट के तहत अपना पहला मैच खेलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।